गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ। पहले मैं आप लोगों को एक राग सिखाया था, राग देश। राग जो सिखाया था, राग का एक परिचय भी बनता है। आज मैं राग का परिचय बताऊंगा। परिचय में, राग परिचय में क्या क्या होता है। राग परिचय में पहले होता है ठाट, वादी, संवादी, आरोह, अवरोह एंड पकर। ठाट क्या है? ठाट है जहां से राग का सृष्टि होता है, उत्पत्ति होता है, वही है राग, वही है ठाट, सॉरी वो है ठाट। हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे 10 ठाट है। जितना भी राग का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुआ है, वो 10 ठाट से निकल के आया है। वो यह ठाट। इसके बाद वादी। वादी क्या है? राग में जो स्वर का यूज सबसे ज्यादा है वो है वादी स्वर। संवादी क्या होता है? वादी से कम और दूसरे स्वर से ज्यादा यूज, वो है संवादी। वादी संवादी छोड़ के राग में जो स्वर और है उसका नाम है अनुवादी। और आरोह अवरोह, आरोह स्वर को नीचे से लेके ऊपर तक जाने को बोलता है आरोह। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, और ऊपर से नीचे तक आने को बोलता है अवरोह। सा नी धा पा मा गा रे सा। पकर क्या होता है? पकर होता है कम स्वर द्वारा राग रूप को पहचानना, पकड़ का काम है। यह है पकड़, कम स्वर समूह से राग रूप को पहचानना। और पिछले क्लास में आप लोगों को ताल के बारे में भी बताया था, जो राग में कौन सा ताल, तीन ताल, उसका भी साथ में प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। अभी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एक देशभक्ति गीत या पैट्रियोटिक सॉन्ग या एकता गीत भी इसको कहा जाता है। गीत का बोल है सात सुरों की शक्ति से हम क्या नहीं कर पाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मीठे स्वर में गाएंगे। सूर बने हमारा, मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा। एक रहेंगे हर हालत में, नाचेंगे और गाएंगे। भारत के हीरे मोती हम ऊंचा नाम कमाएंगे। सूर बने हमारा, मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा। सात सुरों की शक्ति से हम क्या नहीं कर पाएंगे, सात सुरों की शक्ति से हम क्या नहीं कर पाएंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मीठे स्वर में गाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मीठे स्वर में गाएंगे। सूर बने बने हमारा, मिले सूर
इसका नेक्स्ट अंतरा जो है मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को।